बिहार के 3.75 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार इन शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए नियमावली में प्रावधान किए जा रहे हैं कि हर नियोजित शिक्षक को अपने पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। वहीं महिला शिक्षकों को केंद्र सरकार के कर्मियों की तर्ज पर 180 दिन के मातृत्व अवकाश की सुविधा भी मिलेगी। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों की टीम लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा विभाग के सूत्र भी बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली को लागू करने का सरकार प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार 3 सदस्यीय कमेटी नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट को तैयार कर रही है। जब नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब उस पर विधि विभाग से परामर्श के बाद नियमावली को सरकार लागू कर देगी। बता दें कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के सभी स्कूलों के शिक्षक अभी तक बिना सेवा शर्त नियमावली के ही कार्य कर रहे हैं। अगर सरकार इसे लागू करती है तो इन सभी शिक्षकों को भी सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलने लगेगा। नियोजित शिक्षकों की योग्यता और वरिष्ठता को देखते हुए हेडमास्टर के पद भरे जाएंगे। वरीय शिक्षकों को प्राचार्य में प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। नियमावली में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्रत्येक नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा। अगर प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य में आया है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता व प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इसी तरह का प्रावधान हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के लिए आए शिक्षकों के लिए लागू होगा। इसके अतिरिक्त 10 साल सेवा पूरी करने के बाद प्रमोशन का लाभ सुनिश्चित होगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर भी सशर्त प्रावधान तय किए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे होगा। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे होगा।